तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी चंगे भले होंगे, फिट फाइट होंगे और फाइन शाइन तो होंगे ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, ना ही कोई खाने पकाने के लेकर आई हूँ, ना ही कोई और रिव्यूज़ के लेकर आई हूँ। मैं जस्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आजकल जो है मौसम की वजह से और होते हैं अक्सर लोग क्या होते हैं किचन वगैरह में कैबिनेट्स वगैरह में रूम में भी आ जाते हैं, कॉकरोचेज आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉकरोचेज को ख़त्म करने की एक दवाई बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैं ये बना के घर में डाल रही थी, अपने रूम में डाल रही थी, जहाँ जहाँ मुझे कॉकरोचेज दिख रहे थे वहाँ डाल रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी एक छोटी सी ये टिप शेयर कर दूँ। तो बाहर से बहुत ही महंगे महंगे इंजेक्शन भी मिलते हैं, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और केमिकल्स भी मिलते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमें हार्मफुल होते हैं। और अगर हम लोग उसमें डालें, खाने की चीज़ों में डालें, तो वो हम इतना अच्छा नहीं होता, और हमें घर बंद करके जाना भी पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ये बोरिक एसिड लेना पड़ेगा। ये आता है 75 रुपीज़ का, तो मैंने 75 रुपीज़ का एक बॉक्स लिया था। आपका किचन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप दो बॉक्स ले लें, रूम वगैरह ज़्यादा में डालने हैं तो 3-4 बॉक्स ले लें। आप इसको बना सकते हैं आराम से 200-300 रुपये में, आपका ये बड़ा अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका आपको बता देती हूँ मैं कि क्या करना है, कैसे बनाना है। तो आप कोई भी एक ऐसी चीज़ ले लें जिसमें आप लोग खाते पीते ना हो, या जो आपके खाने पीने में यूज़ में ना हो, ऐसे फालतू हो। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया था, ठीक है, ये कॉइल का बॉक्स था तो मैंने वो ले लिया था। अब जो है हम अपना ये, और मैंने यहाँ पर लिया था 1 खाने का चम्मच आटा ले लिया था। आप आटा ले लें, मैदा ले लें, जो अवेलेबल आपके पास घर में वो ले लें। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये बोरिक एसिड जो है हमारा, इसको हम निकाल लेंगे बॉक्स से, इस तरीके का दिखता है। तो आप क्वांटिटी जो है वो अपने स्पेस के हिसाब से लीजिएगा कि कितने कितनी जगह पे कहाँ कहाँ आपको डालना है। मुझे बस अपने ड्रॉ वगैरह में डालना है और थोड़ा सा रूम वगैरह में डालना है, तो इसलिए मेरे लिए एक पैकेट काफ़ी रहेगा, तो मैं एक पैकेट लूँगी। अच्छा, इसको खोल के हम इसके अंदर डाल देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने ये खोल लिया था और ब्लर हो रहा है, सही। तो ये सारा हम शॉपर में से निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। तो ये सारा हमने शॉपर में से निकाल के इसमें डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें 1 खाने का चम्मच आटा डाल देना है, मैदा हो आटा हो आप कुछ भी डाल दें। ये 1 खाने का चम्मच हमने इसमें आटा डाल दिया है। अब इसको हम गूंद के इसकी डो बना लेंगे। हमें ज़्यादा सॉफ्ट सी डो भी नहीं बनानी है, लिक्विड नहीं बनाना है इसका, तो इसको थोड़ी सी हार्ड सी डो बनानी है जिससे हम इसकी बॉल्स बना सकें। तो मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ और डो बना के आपको दिखाती हूँ। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी डो बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी डो बना ली है। करेंगे तो सही है। अब इसको हमने क्या करना है, इसके हमने छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बन के हमारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम लास्ट स्टेप क्या करना है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा शुगर ले लिया है, इसके अंदर हम बॉल्स को डालेंगे, इसमें अच्छे से लगा लेंगे। तो लगा के ना अच्छे नीचे ना इसके अंदर दबा देंगे ताकि जो है चीनी इसके अंदर दब जाए और हटे ना। ताकि जो कॉकरोचेस हैं चीनी का खुशबू से इसको खाने के लिए आए। तो ऐसे ही हम अपनी सारी बॉल्स कर लेंगे।
तरीके से सारी कर लूँगी। देख सकते हैं हमारा लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। हमने उसको हर जगह चीनी लगा दी है और उसको अच्छे से दबा दिया है, ठीक है। तो अब हम डाल देंगे जहाँ जहाँ हमें कॉकरोच फील होते हैं कि हमारी कहीं खाने की चीज़ें में कहीं भी जा रहे हैं कॉकरोच आ रहे हैं तो वहाँ पर डाल देंगे। तो कॉकरोच क्या है, इसकी चीनी की खुशबू से आएंगे, इसको खाएंगे और जो बोरिक एसिड है उससे उनका दम घुटेगा और वहीं पर वो मर जाएंगे। तो आ जाएँ, ये बर्ड्स डाल देते हैं जहाँ जहाँ मुझे डालनी है। खाने पीने की चीज़ें रखी हुई तो इसके अंदर भी आ रही होती हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे वहाँ पे एक कॉकरोच है। इस तरीके से हम बॉक्सेस को हटाते हैं तो ये देखिए आप कॉकरोचों का घर। अलावा चीज़ों में भी हम डाल देते हैं यहाँ पे ताकि जो हमारे कॉकरोचेज हैं ये खाएं और मर जाएं। ठीक हो गया, यहाँ पे जो है हमारा सामान रखा हुआ है इधर भी, तो इनको हटा के इधर भी डाल देते हैं थोड़े। देख सकते हैं आप लोग कॉकरोचेज, तो इनका करना है मैं खा दूँगा। साफ करने पे तो भाग लेंगे नहीं है, तो जैसे इसको खाएंगे ये देखिए ये खा रहा है और इसके बाद इसका हो जाएगा खात्मा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे इसने अटैक कर दिया इसके ऊपर, तो उसके बाद ये मर जाएगा। एक मैंने वहाँ पे डाल दिया था और उसको थोड़ा ऐसे कर देंगे कि जगह बनने रहे। तो बाकी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जो सफाई होगी वो कल मैं करूँगी इसकी, जो कॉकरोचेज मर जाएंगे। तो इसलिए भी सामान ऐसे सारा रख रही हूँ। और इनके अंदर अखबार आप कभी भी ना बिछाएं। अखबार बिछाने से क्या होता है कि कॉकरोचेज को घर मिल जाता है, वो अखबार के नीचे अंडे वगैरह देते हैं। तो कभी भी इन चीज़ों में ड्रॉ में अपनी इन जगहों में अखबार तो बिल्कुल भी ना बिछाया करें। तो ये देखिए रूम में मैंने इधर कोनों में डाल दिए थी बॉल्स बना के ये, और ये देखिए किस तरीके से इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया है। तो ये ऐसे खाएंगे और मर जाएंगे। तो इन बॉल्स को आप हटाइएगा मत, जैसे ये पे खा के हट जाएंगे मर जाएंगे तो बॉल्स को पड़े रहने का, खुद ये बॉल्स ख़त्म हो जाती हैं जैसे जैसे कॉकरोचेस इनको खाते रहते हैं, ठीक है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस टाइप की वीडियोज़ बनाओ आपके लिए। मैं अल्लाह।